अस्सलाम वालेकुम। आज जिस वीडियो जिस प्लांट के बारे में बताऊंगी वो इसके मैरीगोल्ड के शील्ड हैं जो मैं अब लगाऊंगी। इसी के ये जो प्लांट है ये मैं नर्सरी से लाई हूँ पनीर वगैरह ताकि इसको मैं लगा सकूं, और ये अगले महीने तक ये फूल देना शुरू हो जाएंगे। जब तक मेरे ये तैयार होंगे ये फ्लावर शुरू होना देना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इनकी सोल जो तैयार की है वो मैंने 50% जो है गोबर की खाद, 50% जो है पत्तों वाली खाद जो ऑर्डर सोल है हमारी, और बालू मिट्टी भी 50% ये लगाई है। इसकी जो है वो मैं लगाऊंगी इसमें निकाल के इसकी और इसमें इसके लिए जो मैंने तैयार किया है ये तीन पॉट हैं जो तीनों में मैं ये लगाऊंगी और इसको मैं हैंगिंग करूंगी। इसका जो है ये वेल ड्रेन होना चाहिए, सुराख होना चाहिए इसमें ना, ताकि ये पानी ना रुके और ये अच्छे से चले। ये एक में सिर्फ मैं दो पौधे लगाऊंगी ताकि ये भरा भरा सा लगे और इसमें फ्लावर जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। इसकी ब्रांचेज किस तरह ज़्यादा करूँगी मैं आपको बाद में बताऊँगी ताकि ये इसकी ज़्यादा ब्रांचेज इसमें और ये अच्छे खूब फैले। इसको पानी भी जो है आप दूसरे दिन दें, डेली पानी इसको ना दें। अब दो तीन दिन मैं इसको साए वाली जगह पर रखूँगी, जब ये चलने लग जाएंगे तब इसको मैं हैंग करूँगी। इसमें आप थोड़ी सी जो खाद होती है एनपीके उसको थोड़ा थोड़ा पानी में डाल के ना, जब ये चल जाएंगे हफ्ते बाद इसको मैं वो डालूँगी ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए। या फिर आप इस अभी तो इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने गोबर वाली खाद जो है वो मिक्स कर दी हुई है। अब इसमें सील लगानी है हमारे गोल्ड मैरी के, इस तरह के इसके सीड होते हैं। आपने इसको एक एक करके इस तरह रख दिया। और उसके ऊपर जो है ये अपने मिट्टी पकड़
ताकि ये अपनी जगह सही ले ना। बीज जो मैंने लगाया वो अपनी जगह पे रहे। अगर हम पानी इसको, मैंने पहले मिट्टी को गीला कर लिया और पानी डाल दिया, और अगर मैं ऊपर से डालती तो बीज अपनी जगह से हिल जाएंगे, इसलिए पानी आप पहले डाल लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी